लाइट्स ऑन क्यों नहीं है? लगना चाहिए ना कि दिवाली एक दो दिन में है। मैडम इलेक्ट्रिशियन वाला आया नहीं है। तो दुनिया में वो एक ही इलेक्ट्रिशियन है, वो नहीं आएगा तो आप लाइट्स ऑन नहीं करेंगे? What nonsense is this? जाइए जाके दूसरे इलेक्ट्रिशियन ढूंढिए। मॉम इतना स्ट्रेस हमारा है ना इन हाउस इलेक्ट्रिशियन। क्या मतलब तुम्हारा? चौल में लाइट्स लगाने का एक्सपीरियंस तो उसको डेफिनेटली होगा। कोयल जबान को लगाम दो। सत्य इस घर का जमाई है, कोई काम वाला नहीं। जमाई जी। जी। I'm really sorry. आप बुरा मत मानिएगा। कोयल को ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। I'm really sorry. मामा आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप जाके रेस्ट कीजिए। घर का ही तो काम है, सत्या कर देगा। सत्या तुम प्लीज लाइट्स लगवाने में मदद करोगे? अभी तुम ऐसा मुस्कुरा के बोलेगी तो तुम्हें कुछ भी करेगा ना? शुरू कर। ये काम बहुत ही छोटा सा है मॉम, बस सत्या के लगाए हुए तार के साथ छेड़खानी करनी है। और उस तार को छूते ही मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी और फिर माँ ही हमेशा हमेशा के लिए सत्या से नफरत करेगी। ओ जमाई बाबू तुम एका नहीं आशो आशो अरे काज पूरे आशो। हम सोच रहे थे कि मंदिर में आज ही इलेक्ट्रिक दिया लगाए, आप लगा देंगे? हाँ कर देगा, उसमें क्या। ठीक है सत्या, तुम ये फिक्स करो, तब तक मैं तोरण का इंतजाम करके आती हूँ। बाबा जामाई बाबू तुम एखाने, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, वो टेरिस का लाइट ना जल नहीं रहा है, मदद करो ना मेरी, आओ ना देखो। बस माई के आने का इंतजार है।
आंसू मम्मी। की होलो मॉम चिंता मत करो माही, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा शॉक लगा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका माइंड, इनकी बॉडी, इनका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो होश आने के बाद ही पता चलेगा। दिवाली का त्योहार है, सबके घर में रोशनी, हमारे घर में अंधेरा मत कर, मेरे सत्या को वापस लौटा दो, उसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो। ये लड़का फिर मेरे प्लान्स को बिगाड़ दिया, कहीं मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सत्या तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। सत्या ठीक अच्छा? सत्या तुम ठीक हो बेटा? सत्या तुम ठीक तो हो? कैसा फील कर रहे हो अभी बॉडी में? सत्या प्लीज मेरी बात का जवाब दो। सत्या तुम ठीक तो हो ना? सत्या कुछ तो बोलो। ये क्या है? नहीं ये क्या? मैं नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इंजेक्शन तो देना पड़ेगा ना, लेट जाओ और मुड़ जाओ। डॉक्टर बाबा ये बच्चों की तरह क्यों बोल रहा है?
अबे सत्या, मेरी बात सुनोगे तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होगा तुम, कुछ भी नहीं, आई प्रोमिस, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे तुम, मुझ पे ट्रस्ट कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा तुम, पक्का, पक्का, प्रोमिस। देखिए, मेडिकल टर्म्स में इसे रेट्रोग्रेड एमनेसिया कहते हैं। शॉक लगने की वजह से वो अपने बचपन में वापस चले गए और अब वो दिमागी तौर पर 10 साल का छोटा बच्चा सत्या है। लेकिन डॉक्टर, सत्या ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसी हालत में रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन मरीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जरा भी स्ट्रेस नहीं, अगर स्ट्रेस दिया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सो टेक केयर, ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मम्मी, मम्मी, मम्मी। सत्या। ये क्या नई चाल चली तुमने सत्या? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं इसके तह तक पहुंचूंगी और ये पर्दा फांस करके रहूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी हो, बाकी सब गंदे हैं। ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सत्या? यकीन नहीं होता कि तुम्हारी जगह मम्मा हो सकती थी और उनकी भी ये हालत हो सकती थी। तुमने उन्हें नहीं बचाया होता तो सत्या, ये लड़का हर कदम पर नई चाल चल रहा है, पर इसको भी पता नहीं ये किससे पंगा ले रहा है। फाश करके रख दूंगी सब कुछ, सबके सामने साबित कर दूंगी कि ये झूठ बोल रहा है। ये दो कौड़ी का लड़का मेरे सामने ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा। What the hell? तू ये क्या बदतमीजी है? बाहर निकल। ये क्या है? क्या ये? हाँ? मैंने क्या किया? मेरे कपड़े, मेरे कपड़े? उतार, उतार मेरे कपड़े। मेरे कपड़े? मैं कह रहा हूँ कपड़े उतार। हाँ तो कपड़े मौत। मैंने कान छोड़ मुझे। कपड़े उतार। मेरे कपड़े छोड़ मेरे कपड़े, पागल।
सत्या कपड़े दे, कपड़े वापस दे। सत्या कपड़े शो में ना ऑफिस क्या नॉनसेंस चल रहा है ये सत्या ये साड़ी में चुड़ैल कौन मुझे बहुत डर लगता है इससे सत्या ऐसा नहीं कहते देखो ना मेरे सारे कपड़े मुझसे ले रहा था ये कपड़े तुमसे कोई नहीं लेगा ये सारे कपड़े तुम्हारे ओके पक्का पक्का मैं रख लूं सारे तुम रख लो तो मेरे को वो भी चाहिए मीरा छोड़ छोड़ शुभ्या पागल पागल है ये इसको पागल खाने भेज दो माई कब तक चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे एक काम करते हैं हम सत्या को उसके माँ के पास छोड़ देते हैं नहीं मामा हम सत्या को ऐसे कैसे भेज सकते मामा आज उसके जो कुछ भी हालत हुई है वो हमारे घर में हुई है आपकी जान बचाते हुए मामा हमें उसका ध्यान रखना चाहिए हम सत्या को ऐसे नहीं भेज सकते माही बिल्कुल ठीक कह रही है पायल अरे इसकी मम्मी को तो ये तक नहीं पता कि इसने शादी कर ली है और अगर इस हालत में देखेगी तो हो सकता है कि पुलिस केस कर दे ठीक है लेकिन हमें इस पर नजर रखनी होगी मामा आप सत्या की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए मैं उसका ध्यान रखूंगी कोयल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैं ये कह रही एक मिनट चिपकू आंटी तो फोन से चिपकी हुई है सॉरी वो बहुत अर्जेंट कॉल था इसलिए ज्यादा लंबी बात हो गई वाओ इतनी लंबी लंबी बातें मुझे पता है तुमको फोन बिल की बिल्कुल टेंशन नहीं है वैसे तुम ही थोड़ी देने पर जस्ट क्यूरियोसिटी से एक तुम्हारा फोन बिल कितना आता है कोयल मैं बहुत स्मार्ट हूँ मैंने रिलायंस का जियो सिम कार्ड जो लिया है इसमें जिंदगी भर के लिए कॉलिंग फ्री है और देश के आप किसी भी कोने में चले जाओ नो स्पेशल चार्जेस हाँ आई थिंक मेरी फ्रेंड भी इसी के बारे में बात कर रही थी इसमें कॉल्स के टाइम डेटा भी यूज नहीं होता राइट या राइट तुम्हारी फ्रेंड बहुत स्मार्ट है मेरी तरह चाहे दिवाली हो होली या कोई भी स्पेशल डे नो स्पेशल चार्जेस वही स्टैंडर्ड रेट लगेंगे ऑन नेटवर्क भी परफेक्ट नो प्रॉब्लम चलो बढ़िया है मैं भी रिलायंस जियो सिम खरीदने वाली सेम माही माही ये सब तामझाम की वजह से ना बहुत सर दुख रहा है एक कप चाय बना दोगी प्लीज अभी बना दूंगी मामा मामा मैंने चाय चढ़ा दी है आप प्लीज ले लेंगी अगर अभी नहीं गई ना तो सत्या सारा घर सर पर ले लेगा मैं उसे खाना दे देती हूँ मेरे चाय से पहले सत्या को खाना दिया जा रहा है